हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपा भाटी में आप सबका स्वागत है। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। ये व्लॉग है संडे का और इवनिंग से शुरू हो रहा है ये व्लॉग। तो चलिए कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ मैं, क्योंकि 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे। अगर प्रेस अभी नहीं करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर यही कपड़े भारी लगने लग जाते हैं और आलस आने लग जाता है। और अधिकतर कपड़ों को मैं घर में ही प्रेस करती हूँ, डेली के जो यूज़ में होते हैं उनको प्रेस नहीं करती हूँ, जो बाहर के कपड़े होते हैं उनको ही प्रेस करती हूँ। और ये कॉटन के कपड़े हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी का स्प्रे करती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। मुझे आज बनानी है भरमा भिंडी, तो मैंने भिंडी को दोपहर को ही साफ़ करके, मतलब धो कर के रख दिया था, ताकि ये जब मुझे बनाने की बारी आए तब तक सूख जाए। और जितने भी इसके जो ऊपर की जो डंडी होती है जिसे हम काट करके निकालते हैं, सारी भिंडियों को काट लेंगे। सारी भिंडियों को काट लिया है मैंने ऊपर से, और अब बारी है इनको बीच में से चीरने की। चीरना मतलब दो हिस्से नहीं करने हैं, सिर्फ बीच में एक चीरा लगाना है ताकि इसमें मसाला हम स्टफ़ कर सकें। और कोशिश करिए कि छोटी भिंडी लें। थोड़ी सी हल्दी, नमक, पिसा हुआ धनिया, सब्जी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हींग, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च चाहिए आधे चम्मच, अमचूर पाउडर, और ये सारे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। सारी भिंडियों को मैंने ये बीच में से इस तरीके से चीर दिए हैं सारी भिंडियों को ही। ये जो मसाला बनाया है, जो भिंडी को चीरा है उसके बीच में भर देंगे, अच्छे से स्टफ कर देंगे, ताकि अगर हल्का फुल्का मसाला निकलता भी है तो थोड़ा बहुत रह जाए उसके अंदर फ्राई करते समय। और कढ़ाई में डाल देती हूँ मैं सरसों का तेल। मैं अधिकतर सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ। और ये गरम हो गया है तेल, इसमें डाल दूँगी भिंडी, सारी भिंडियों को डाल दूँगी और अच्छे से इसको चला दूँगी और थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, ताकि थोड़ी स्टीम से ये अच्छी फ्राई हो जाए। और उसके बाद इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, हल्का सा, क्योंकि हमने अंदर ही डाला था नमक और बाहर नहीं है तो वो फीका फीका लगेगा। और थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी इसको। जब तक भिंडी बनेगी साथ में लगा लेती हूँ आटा। आटे को मांड के रख दूंगी और रोटियाँ जब बनाऊंगी तो आटा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। एक साइड में चढ़ा दी है दाल, और मसूर की दाल बना रही हूँ मैं, और आज बॉईल करके बनाऊँगी, बाद में तड़का लगाऊँगी इसमें। और मेरी भिंडी बन चुकी है, इसको निकाल लेती हूँ ताकि इतना बड़ा बर्तन खाली हो जाए। और आप ज़रूर ट्राई करना, देखिए कितनी कुरकुरी भिंडी बनी है। और दाल भी मेरी बॉईल हो चुकी है, और अब काट लेती हूँ हरी मिर्च और टमाटर दाल में तड़का लगाने के लिए। पैन में डाल दूंगी तेल, और जब तक तेल गरम होगा तब तक काट लेती हूँ धनिया, क्योंकि दाल में भी धनिया बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। और इसमें तेल गरम हो चुका है, उसमें डाल दिया है ज़ीरा और हींग, और जो ये मैंने हरी मिर्च टमाटर काटे थे इसको डाल दूंगी। और इसके बाद इसमें डाल दूंगी मैं हल्दी, और नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, बस थोड़ी सी मिर्च और हल्का सा गरम मसाला डाल दूंगी, बाकी कुछ नहीं डाला है। और इसको अच्छे से फ्राई कर लूंगी, और जब तक फ्राई करूंगी जब तक ये तेल ना छोड़े। और मेरी दाल तैयार हो चुकी है, इसके बाद बनानी है मुझे रोटियां, और सिर्फ किचन साफ करना है खाना खाने के बाद। और आज है मंडे, नेक्स्ट डे हो चुका है, कल का ही वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं।
कल बाकी की वीडियो नहीं बनी क्योंकि उसमें स्टोरेज नहीं थी। इस रूम की बेडशीट चेंज कर देती हूँ मैं क्योंकि दो तीन दिन से चेंज नहीं की थी और अभी मैंने मशीन लगाई हुई है तो वो साथ के साथ धुल भी जाएगी। गाइस ये देखिए, ये वाली जो लाइनिंग मैंने बिछा रखी है ये बहुत ही हल्की है। ये वाली लाइनिंग ये देखिए, ये मैं बर्तन लगाती हूँ ये खिसक करके यहाँ आ जाती है यहाँ पर। ये देखिए कितनी बाहर निकल आई है। इसको मैं टेप भी लगाई थी इसके यहाँ पर नीचे से, तो जब भी खाना वाना बनता है तो वो टेप निकल जाती है। सेलो टेप लगाई थी मैंने इस पर लेकिन वो नहीं रुकती है, कुछ दिनों के बाद वो निकल जाती है। तो मैंने ये लिया है, ये जो हम फर्श वगैरह पे लगाते हैं ये मैं अपने स्टोर के लिए लेकर आई थी, जहां मेरी मशीन रखी हुई है वॉशिंग मशीन, तो उसके नीचे लगाने के लिए। तो ये उसमें से बच गया था तो ये मैंने पीस काट करके अलग रख लिया था। इसको ट्राई करके देखती हूँ, अगर ये काम किया तो फिर मैं धीरे धीरे सारे में ही, जितने भी मेरे किचन में कैबिनेट्स बने हुए हैं, धीरे धीरे मैं सभी को चेंज कर दूंगी। अभी मैं इसमें और एक इसके बराबर वाले में लगा के ट्राई करती हूँ, आपको फिर इसका रिव्यू दूंगी कि ये कैसे चलते हैं और कितना टाइम चलते हैं। ये ज़्यादा नहीं रुकते हैं, इसको धोते हैं तो ये कहीं ना कहीं से फट जाता है। और ये देखिए कितना पतला है ये, तो इसको मैं चलिए ट्राई करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। इस कैबिनेट को खाली कर दूंगी और इसके बगल वाले को भी, इसी बहाने से दोनों तीनों कैबिनेट साफ भी हो जाएंगे। गाइस ये इसमें भी लगा दी है मैंने, तीन में आ गई है और ये बहुत गंदा लग रहा है यहाँ पर। अगर इसको ये लटकाती तो ये बार बार ऊपर हो जाती है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ इतना ही रखा है। इसमें लगाऊंगी मैं ये डबल साइड टेप ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे और साफ भी हो जाए जब हम किचन को साफ करें। ये देखिए व्हाइट कलर है तो और भी सुंदर लग रही है। और जो ये मेरे आवाज करते हैं ना, ये इसके डोर, ये भी कम आवाज करेंगे। ये देखिए, और इसको भी इस बहाने से मेरा ये दो है, ये वाले हिस्से, एक ये बर्तन वाला और एक ये भी साफ हो गया है। बाकी मैंने सारा काम कर दिया है, पोछा लगा दिया है, खाना आधा बना के रख दिया है, सिर्फ मुझे रोटियां सेकनी हैं और मशीन का सिर्फ मुझे कपड़ों को ड्राई करना है। उससे पहले पानी में से निकाल लेती हूँ कपड़ों को। और आज मुझे कपड़ों को ड्राई करना ही पड़ेगा क्योंकि बाहर मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, बारिश भी आ सकती है, इसलिए ड्राई करके डालूंगी तो जल्दी सूख जाएंगे और सूख जाएंगे तो जल्दी से फोल्ड करके रख दूंगी। आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।